हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्यास क्विक रेसिपीज। तो आज की हमारी रेसिपी है नवरात्रि स्पेशल साबूदाना वड़े। इसे बनाना बहुत ही इजी है और ये नवरात्रि के लिए एक परफेक्ट स्नैक्स है। तो चलिए जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो साबूदाना वड़े बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है 1 कप साबूदाना और इसको मैंने 1.5 कप पानी में लगभग 2 घंटे भिगो कर रख दिया था और इसे छान कर मैंने एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है। इसके साथ ही मैंने लिया है 3 मीडियम साइज बॉईल किए हुए आलू और इसको मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। फिर मैंने लिया है 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 टेबल स्पून ग्रेट किए हुए अदरक, 1/2 टेबल स्पून जीरा, बारीक कटी हुई धनिया। इसके साथ ही मैंने 1 बाउल ग्राइंड की हुई रोस्टेड मूंगफली ली है। तो सबसे पहले मैंने आलू और साबूदाने को अच्छे से मैश कर लिया है और फिर हम इसमें डाल देते हैं अदरक, मिर्च, जीरा और कटा हुआ धनिया और साथ ही हम इसमें डाल देते हैं अपनी ग्राइंड की हुई रोस्टेड मूंगफली। और अब हम इन सभी को मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक। तो यहाँ पर मैं बहुत ही सिंपल साबूदाना बड़े बना रही हूँ, इसलिए मैंने ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं किए हैं। आप चाहें तो अपने चॉइस के कोई भी मसाले यूज़ कर सकते हैं और इसे और भी टेस्टी बना सकते हैं। अब ऊपर से मैं इसमें डाल रही हूँ नींबू का रस और अब हम इन सभी को अच्छे से मिक्स करके इनका डो बना लेंगे। और फिर डो से मैंने हार्ट शेप के वड़े बना लिए हैं, आप इसे किसी भी शेप में बना सकते हैं। अब नेक्स्ट हम इन वड़ों को कर लेंगे डीप फ्राई। डीप फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ रिफाइंड लिया है, आप चाहें तो मस्टर्ड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। रिफाइंड ऑयल को मैंने पहले से ही गर्म कर लिया था। इसे 5 से 6 मिनट मीडियम फ्लेम पर फ्राई होने देंगे। ये एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, अब हम इसे दूसरे साइड से भी फ्राई कर लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं ये 3 से 4 मिनट बाद दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो अब ये हमारे टेस्टी और क्रिस्पी साबूदाना वड़े खाने के लिए रेडी हैं। आप इसे चटनी या सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। आप भी इस टेस्टी और क्रिस्पी साबूदाने वड़े को ज़रूर ट्राई करें और अगर ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।